वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा 7.2 एक्सरसाइज क्लास की क्वेश्चन नंबर 6 तक वीडियो पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ 12x माइनस 5y प्लस 4। इनमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? देखो ये तो x है तो वेरिएबल है, ये भी इसमें y है तो ये भी वेरिएबल है, ये 4 क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, अकेला नंबर है तो ये कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट में 18 माइनस 5a स्क्वायर, 5 के साथ a, 5 के साथ ए स्क्वायर वेरिएबल है तो ये 18 क्या है? इसमें कांस्टेंट है, 18 कांस्टेंट है। सी पार्ट में 7 है, आर की 4 माइनस 15 प्लस 5 एस, देखो ये आर की 4 वाला ये भी वेरिएबल है, एस लगा हुआ है तो ये भी वेरिएबल है, ये 15 है जो अकेला, माइनस 15 क्या है इसमें, ये कांस्टेंट है, माइनस 15 कांस्टेंट है। नेक्स्ट है 19 वाई स्क्वायर माइनस 3/4, तो माइनस का 3/4 है इसमें कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर इन ईच ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल फैक्टर होता है जो नंबर्स में होगा और लिटरल होगा एक्स वाई जेड या ए बी सी में जो फैक्टर्स होंगे, जैसे 8xy है तो 8 क्या इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर तो है 8 और लिटरल में, लिटरल xy है एक तो 8x किसका होएगा y का, तो अकेला y भी आएगा, 8y x का है तो xy और x क्या है इसके लिटरल फैक्टर। नेक्स्ट है 1/3 mn है तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, n से न्यूमेरिकल, f से फैक्टर 1/3 और लिटरल से, l से लिटरल, f से फैक्टर, लिटरल फैक्टर mn होगा, एक तो mn का 1/3 है कोफिशिएंट और m का कोफिशियंट है 1/3 n, तो n आ जाएगा और एक m, mn और mn क्या है इसके लिटरल फैक्टर। 12xyz में न्यूमेरिकल फैक्टर तो 12 है क्योंकि नंबर 12 है इसमें, लिटरल में जो अल्जेब्रिक में होंगे x y z, एक तो इकट्ठा ही होगा ये, एक अकेला x, एक अकेला y, एक अकेला z, एक में x y दोनों आ जाएंगे, एक में y z दोनों आ जाएंगे, एक में x z आ जाएंगे, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, ये के बाद 7 ए बी है तो न्यूमेरिकल फैक्टर तो 7 है इसमें और लिटरल, लिटरल फैक्टर में ए बी, ए और बी आ जाएंगे, जब इनके अलग अलग कोफिशिएंट निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे। 3yz में न्यूमेरिकल फैक्टर है 3 और लिटरल फैक्टर में yz, y और z अलग अलग। 5b में न्यूमेरिकल फैक्टर 5 है और लिटरल फैक्टर b है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस a 4xy माइनस 3। जब टर्म्स लिखनी हो ना सिर्फ इनके कोमा ही लगाने हैं, जैसे 4xy है, पहली टर्म क्या है 4xy कोमा माइनस 3, दूसरी टर्म माइनस 3, दो ही टर्म्स थी, बाइनोमियल है ये, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें देखो 8abc 5b स्क्वायर माइनस 22 ए बी, ये ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है तो तीनों टर्म्स को कोमा लगा के अलग अलग लिख दीजिए, 8abc 5b स्क्वायर और माइनस 22 ए बी, ये तीनों टर्म्स को हमने अलग अलग लिख दिया। सी पार्ट है 3 माइनस 70 प्लस 4st, इसमें भी तीन टर्म्स हैं, पहली तो कांस्टेंट टर्म है 3, फिर माइनस 70 कोमा 4st, ये तीनों टर्म्स को कोमा लगा के लिखा। डी में भी 12 प्लस 8m माइनस 14n प्लस 5m, इसमें चार टर्म है तो पहली तो कांस्टेंट ही है 12 कोमा 8m कोमा माइनस 14m n, सॉरी माइनस 14n कोमा 5m n। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होंगी जिनकी पावर से एक जैसी हो, जैसे एक्स स्क्वायर की पावर में ये भी एक्स स्क्वायर की पावर में, ये एक्स स्क्वायर की पावर में, तो तीनों लाइक सही है जो एक्स स्क्वायर की पावर में, जैसे माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक 6x स्क्वायर है और 8 1x स्क्वायर है, बाकी वाई और जेड वाली छोड़ देंगे क्योंकि हमें लाइक चाहिए जो एक जैसी पावर वाली हो, एक जैसा वेरिएबल हो। इसका बी पार्ट है, इसमें लाइक टर्म्स देखो कौन सी है, ये देखो ab square या b square a ले लो या ab square, ये तीनों एक जैसी है, माइनस 8ab square अकेला ab square माइनस का 3ab square, ये तीनों क्या इसमें लाइक टर्म्स है। इसमें देखो ये abc अकेला है, इसमें एक ही पावर 2 है, इसमें भी एक ही पावर 2 है, इसमें भी एक ही पावर 2 है, bc की एक एक पावर है, तो ये लाइक टर्म्स ये हो जाएगी, इसमें लाइक टर्म्स
ए स्क्वायर बी सी और बी ए स्क्वायर सी और सी ए स्क्वायर बी, ए की पावर दो दो है सभी में और बी और सी की वन वन पावर है। इसके बाद नेक्स्ट है डी पार्ट है जो, इसमें लाइक टर्म्स देखो एम एन वाली, एम एन एन एम और एम एन, एन एम लिखो या एम एन एक ही बात है, मल्टीप्लाई करते हैं। टू थ्री जा भी सिक्स होता है, थ्री टू जा भी सिक्स होता है, माइनस टू बाई थ्री एम एन और एट एन एम माइनस सिक्स एम एन, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म होती है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होती है, वन टर्म होती है। बायनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती है। ट्राइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होती है और क्वाड्रिनोमियल होता है जिसमें चार टर्म होती है। तो सबसे पहले 4xy plus 3x, 1 और 1 दो ही टर्म है इसमें, तो कौन सा है ये बायोनोमियल, बायोनोमियल एक्सप्रेशन है। बी में देखो 9x2 minus 5 minus 2x plus 4y, 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स हैं, तो ये क्वाड्रिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल। एक्स वाई है ये सिंपल एक ही टर्म है, ये है मोनोमियल। डी में भी चार टर्म है, चार टर्म है, तो ये है क्वाड्रिनोमियल। ई में तीन टर्म है देखो, ई में 1, 2, 3 तीन टर्म है ये, तो ये ट्राइनोमियल है। 7x2yz³ ये सारा एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। इसके बाद जी है, जी में तीन टर्म है, 1/8p² क्या हो प्लस 8 - 2p क्या हो, तीन टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है। लास्ट वाले एच में m²nO, ये अकेला एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है। क्वेश्चन 12 है इवाल्वेट, इवाल्वेट यानी कि जो वैल्यू उसने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। p² - pq + 4q, इफ p = 2 q = 1, p की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 और q की वैल्यू 1। अब p का स्केयर है तो p की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्केयर हो जाएगा ये, माइनस p की वैल्यू 2 है, क्यू है इंटू में तो क्यू की वैल्यू 1, प्लस 4 इंटू में क्यू है तो क्यू की वैल्यू 1, 2 का स्केयर 4, माइनस 2 बन जा 2, प्लस 4 बन जा 4। अब 4 और 4 दोनों प्लस के हैं तो 4 और 4 8, माइनस 2, आंसर इज 6। इसका बी पार्ट है -8m + m³n - 2n² - 5, इफ m = n n = 3, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3, जहां जहां m है उसकी जगह 1 रखेंगे और n है वहां 3 रखेंगे। माइनस 8 मल्टीप्लाई m है तो m की वैल्यू 1, प्लस m का क्यूब है तो 1 का क्यूब, इंटू n है तो n की वैल्यू 3, माइनस 2, n स्केयर की जगह 3 का स्केयर हो जाएगा, माइनस 5, माइनस 8 बन जा माइनस का 8, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है तो 1 मल्टीप्लाई 3, 3 आ जाएगा, माइनस 3 का क्यूब होता है 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 9 टू सा 18, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रहेगा और माइनस का 5। अब प्लस तो एक ही है, 3 है, बाकी सारे माइनस के हैं, माइनस 18 और 5 -23, -23 और 8 माइनस का 31, माइनस का 31 प्लस का 3, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 11 - 3 8 माइनस का 28 आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है इसका, पार्ट नंबर सी है 2ab - 3b² + aq bc - 5ab²। अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की जगह 2। अब जहां जहां a है ना, जहां जहां a की मल्टीप्लाई होगी वो सभी को 0 बना देगा। अब 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई b है तो मल्टीप्लाई 1, माइनस 3, बी स्केयर की जगह 1 का स्केयर, इंटू में सी है तो सी की जगह 2, प्लस ए क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, बी की जगह 1, सी की जगह 2, माइनस 5, ए की जगह 0 और बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। अब जहां जहां 0 है वो तो 0 ही हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, माइनस 3 इंटू 1 का स्केयर 1 ही आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
प्लस जीरो का क्यूब जीरो, ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जीरो। लास्ट वाले में भी जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। अकेला माइनस सिक्स रह गया तो माइनस सिक्स क्या आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट है सेवन एक्स वाई जेड माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई क्यूब माइनस एट जेड प्लस एक्स वी एक्स वाई की पावर फाइव। एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू वन है और जेड की वैल्यू फाइव है। एक्स की जगह टू रखेंगे तो सेवन मल्टीप्लाई टू, वाई है तो वाई की जगह वन, फिर मल्टीप्लाई जेड है तो जेड की जगह फाइव, माइनस टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू टू है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर वाई क्यूब है तो वाई की वैल्यू वन है, वन का क्यूब, माइनस एट जेड की जगह फाइव, प्लस एक्स की जगह टू और वाई की फाइव है तो वन की पावर फाइव। अब देख फाइव टू जा टेन, टेन सेवन जा सेवेंटी, माइनस टू, टू की पावर टू होता है फोर, फोर टू जा एट, प्लस फोर इंटू वन का क्यूब, वन का क्यूब तो वन ही होगा, फोर वन जा फोर, माइनस एट फाइव जा फोर्टी, प्लस टू इंटू वन की पावर फाइव, वन की पावर फाइव वन ही होता है, प्लस टू हो जाएगा। प्लस के एक साइड कर लो, सेवेंटी और फोर सेवेंटी फोर और टू सेवेंटी सिक्स, माइनस माइनस का फोर्टी और माइनस का एट फोर्टी एट, सिक्सटीन माइनस एट एट, सिक्स माइनस फोर टू, प्लस का ट्वेंटी एट आंसर। सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज इज कम्प्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।